यस डियर स्टूडेंट बेटा, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 3.4। कहता है इफ वी ऐड वन टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द डिनोमिनेटर ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू वन। पहले यहां तक की हम कंडीशन लगाएंगे, तो आप लिखेंगे लेट फ्रैक्शन इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। आप ये भी लिख सकते हैं लेट डिनोमिनेटर इज इक्वल टू एक्स, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू वाई, देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। आप सीधा भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। देखिए इफ वी ऐड वन टू द डिनोमिनेटर यानी कि एक्स प्लस वन अपॉन एंड सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द डिनोमिनेटर यानी कि y माइनस वन इज इक्वल टू देन फ्रैक्शन रिड्यूस टू वन यानी कि वन के इक्वल हो जाती है। रिड्यूस का मतलब इक्वल यानी कि कोई फ्रैक्शन डिवाइड होती है ऊपर नीचे जो फिर आता है उसको रिड्यूस बोला गया है। यहाँ पर फ्रैक्शन का सॉल्यूशन, फ्रैक्शन को सोल्व करके काट कर मल्टीप्लाई करके जो भी बनती जो भी है उसके लिए बोला गया है। रिड्यूस का मतलब यहाँ पर ये है, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऐसे by cross multiply x plus 1 is equal to y minus 1, x minus y is equal to minus 1 minus 1। ये प्लस का वन उधर जाके माइनस हो गया, y इधर प्लस का था इधर आके माइनस। इक्वेशन बनाने के लिए x minus y is equal to minus 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। अब देखिए आगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है। देखिए इट बिकम्स वन बाय टू इफ कंडीशन है इफ ओनली वी ओनली ऐड वन टू द डिनोमिनेटर यानी कि न्यूमिनेटर एज इट इज अपॉन डिनोमिनेटर वाई में वो वन ऐड कर दिया, ऐड वन टू द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में वन ऐड कर दिया, फ्रैक्शन बिकम्स वन बाय टू। ये लिखा है ना इट बिकम्स वन बाय टू, तो ये वन बाय टू हो गई। तो यहां भी बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इक्वेशन बनाने के लिए तो ये हो गया टू एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस वन। ऐसे मल्टीप्लाई करो या ऐसे करो, क्योंकि हमारा पहला वेरिएबल x है ना, तो हम ऐसे कर रहे हैं पहले। तो ये हो गया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू वन, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब फर्स्ट इसके नीचे लिख लो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टू, इक्वेशन फर्स्ट। देखिए मैंने इलिमिनेशन मेथड में आपको स्टेप बता रखे हैं, उसमें एक आया कि किसी भी वेरिएबल को इक्वल कर लो अपनी आवश्यकता के अनुसार, और जब वो इक्वल हो जाएं फिर उनके सिंबल देखो आप। अगर दोनों इक्वल हैं तो इक्वेशन नीचे वाली इक्वेशन सब्ट्रैक्ट होगी ऊपर वाली में से, अगर अपोजिट है एक प्लस एक माइनस है तो ऐड हो जाएंगी इक्वेशन। सब्ट्रैक्ट करते समय सिंबल चेंज करते हैं, ऐड करते समय कोई सिंबल चेंज नहीं होता। तो प्लीज यू कंसंट्रेट अबाउट दिस। तो यहां हम y हमारा इक्वल है, सिंबल चेंज करेंगे क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये देखिए ये प्लस हो गया और यहां लिख देंगे y सब्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि देखिए ये y भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, लेकिन इक्वल हैं तो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट होगी नीचे वाली, तो सिंबल चेंज होंगे। ये देखिए तभी ये इलिमिनेट करना है, 2x में से x गया x, 1x 2 में से 2x में से 1x गया 1x, 1x को x लिखते हैं, और ये 1 और ये प्लस का 2, ये पहले माइनस का था प्लस का हो गया इज इक्वल टू 3। ये होगी हमारी x की वैल्यू। अगला स्टेप है इलिमिनेशन का, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आने के बाद किसी भी इक्वेशन में उसको पुट कर दो। हम यहां कर रहे हैं तो यहां लिखेंगे हम पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन
एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टू। तो बेटा देखिए एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टू, एक्स की जगह थ्री, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टू, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टू, ये प्लस का इधर उधर जाके माइनस हो गया, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस फाइव, माइनस से माइनस कर गया, वाई इज इक्वल टू फाइव, ये वाई की वैल्यू फाइव आएगी और x की वैल्यू क्या आ गई थ्री। तो देर फोर लास्ट में लिख देंगे इधर, देर फोर फ्रैक्शन फ्रैक्शन इज इक्वल टू थ्री अपॉन फाइव, ये आंसर आ गया। क्योंकि बेटा हमने फ्रैक्शन क्या लेट की थी, x अपॉन वाई। तो यू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट फर्स्टली, सबसे पहले आप स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करिए, तभी आप कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, और कंडीशन अप्लाई होते ही आपके पास दो इक्वेशन आएंगी, ये पहली और ये दूसरी, फिर सॉल्व करेंगे। अगर जब तक आप स्टेटमेंट नहीं समझोगे तो आपको कंडीशन अप्लाई करने नहीं आएंगी, कंडीशन अप्लाई नहीं हुई तो इक्वेशन नहीं बनेगी, इक्वेशन नहीं बनी तो सॉल्व क्या करोगे। तो इसलिए फर्स्टली प्लीज यू फुली कंसंट्रेट ऑन द स्टेटमेंट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। ओके, थैंक्स।